अरविंद केजरीवाल क्या इसके बाद जेल चले जाएंगे या क्या देखो होगा? देखो, जेल जाने का ड्रामा तो हो सकता है, जेल जाने का ड्रामा हो सकता है जब मनीष सिसोदिया पे पैसे रिकवरी नहीं हुए। आप आम आदमी पार्टी ने कहाँ से पैसे लिए, किसको दिए, क्या नहीं दिए, जब साक्ष्य नहीं, इतने दिनों के बाद भी इतनी पावरफुल सरकार है, इतने पावरफुल एजेंसी हैं, उनके पास सबूत आए नहीं, तो धोल में लठ मारने वाली बात है। तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ज़्यादा लगता है, कानून का मिसयूज हुआ है, कानून का दुरुपयोग हुआ है और प्रशासन का भी दुरुपयोग हुआ है। मेरा कुछ सीखे तो वन साइडेड गेम हो रहा है, वन साइडेड। हु इज पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग, एनी रॉन्ग, एनी टाइम। ये है, ये सब सबको दिखाई दे रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट की बात है, जमानत देने में इस तरह की देरी करना, इस तरह की देरी होना, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि बेल इज लॉ, लोगों को जमानत देना इस देश का कानून है और जेल एक्सेप्शन है। मनीष सिसोदिया के इतने लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो उन पर लगे हैं आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के और जो दिल्ली में शराब घोटाले के जो रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस समय मौजूद थे और आपने ये सब चीज देखा अपने आप? हाँ देखो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजर्व रख लिया है फैसले को, हालांकि इस तरह का मामला काफी दिन से वो पेंडिंग था, कई तारीखें लग चुकी थी, उसमें रिजर्व रखने की मुझे नहीं लगता है एज एन एडवोकेट कोई लंबी चौड़ी बात थी, और रिजर्व भी रख लिया तो अगले दिन सुना देना चाहिए। अब क्या कारण है क्या नहीं, वो तो इससे तो बेहतर सुप्रीम कोर्ट समझे, वरना सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट उसमें बार बार किया है कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सबूत है नहीं तुम्हारे पास, ना मनी ट्रेलिंग के, ना इस आदमी के पास पैसा है, ना किसी ने कहा कि इसको मैंने पैसे दिए, कोई एक रुपये की रिकवरी नहीं हुई। तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ज़्यादा लगता है, कानून का मिसयूज हुआ है, कानून का दुरुपयोग हुआ है और प्रशासन का भी दुरुपयोग हुआ है। नूरा कुश्ती का मामला चल रहा है, ये नूरा कुश्ती क्या कहें, ये तो एक तरह से दूसरा कहाँ नूरा कुश्ती करने वाले हैं, वो तो एक छोटी सी पार्टी है। नूरा कुश्ती क्या है, तो वन साइडेड गेम हो रहा है, वन साइडेड। हु इज पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग, एनी रॉन्ग, एनी टाइम। ये है, ये सब सबको दिखाई दे रहा है, और उनको अब लगता है जमानत हो जाएगी, और इतना लंबा समय लिया, ये खाली मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की बात है, जमानत देने में इस तरह की देरी करना, इस तरह की देरी होना, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि बेल इज लॉ, लोगों को जमानत देना इस देश का कानून है और जेल एक्सेप्शन है, बहुत ही ज़्यादा 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 जरूरी हो तभी किसी को जेल में रखा जा सकता है, अदरवाइज ट्रायल के बहाने या बार बार एविडेंस ढूंढने के बहाने, बार बार एप्लीकेशन लगा के किसी को आप जेल में रखेंगे, या ऐसे देश के लोगों को जेल में रहने का अगर बाध्य होना पड़ेगा, तो देश की उंगलियां जुडिशरी की तरफ भी उठती हैं और फ्यूचर में ज़्यादा उठेंगे। आप पार्टी को पार्टी पूरे पार्टी को पार्टी बनाए जाने की बात हो रही है इसमें, तो क्या इसका क्या फ्यूचर रहेगा आम आदमी पार्टी का? अरविंद केजरीवाल क्या इसके बाद जेल चले जाएंगे या? देखो देखो, जेल जाने का ड्रामा तो हो सकता है, जेल जाने का ड्रामा हो सकता है जब मनीष सिसोदिया पे पैसे रिकवरी नहीं हुए। आप आम आदमी पार्टी ने कहाँ से पैसे लिए, किसको दिए, क्या नहीं दिए, जब साक्ष्य नहीं, इतने दिनों के बाद भी इतनी पावरफुल सरकार है, इतने पावरफुल एजेंसी हैं, उनके पास सबूत आए नहीं, तो धोल में लठ मारने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे ये लोग दूध के दूल्हे हैं, मैं तो ये नहीं कहता देश का कोई पॉलिटिशियन दूध का दूल्हा है, मगर इस तरह का केस नहीं बनता, ये तो जलालत है, ये दलील करने वाली बात है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी मुद्दा उठाया था कि ये एक नया फंडा अजमाया जा रहा है कि लोगों को ब्लैकमेल करो और आप सत्ता में बने रहो। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और बहुत ही इज ए वेरी बोल्ड एडवोकेट ऑफ दिस कोर्ट एंड दिस कंट्री। उन्होंने तो कहा है कि 9 करोड़ में कोई जजमेंट खरीदा गया है और अगले दिन जजमेंट आ गया, उन्होंने तो क्लियर कट कहा है, उनका नाम लिया है क्लियर कट, पुराने चीफ जस्टिस का, गोगोई का, अरुण मिश्रा का लिया जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने तो ये कहा कि कुछ लोग गवर्नर बन गए, कोई चीफ जस्टिस हो गया, इसलिए पूरा देश इस ड्रामे को देख रहा है, ये किसी को पसंद नहीं है, जनता मजबूर है बहुत, क्योंकि जनता की अभी भागीदारी नहीं है, जनता की भागीदारी जिस दिन सही मायने में लोकतंत्र में होगी, उस दिन इस तरह की घटनाएं नहीं घट सकती, अभी जनता की भागीदारी नहीं है, अभी जनता को खाली वोट देने का अधिकार मिला है, ये वोट खाली वोट देने का अधिकार भागीदारी नहीं है, अभी लोकतंत्र का तो मतलब है जब भी लोकतंत्र टेढ़ा मेढ़ा हो उसका स्टीयरिंग पकड़े और जनता ने सीधा कर दिया, जनता का अभी वो रोल बाकी है। इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी इस मुद्दे की बात ही नहीं करी कि देश में हर मानव, हर वोटर, हर नागरिक व्यवस्था में भागीदारी करे, उसकी भागीदारी सुनिश्चित खाली नौकरी करने से नहीं होती, या नेता, MLA, MP बना, चीफ मिनिस्टर, संविधान ने ठेका नहीं लिया खाली,
कि देश में प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, MLMP बना देंगे और जयराम जी की हो गया काम खत्म। नो, इसका मतलब ये है कि मानवीय व्यवस्था जहां हर आदमी तुरंत, अगर मुझे कोई गलत लगे, आपको कोई गलत लगे, पत्रकारों को इतना सचेत रहना चाहिए सिस्टम कि पत्रकारों ने कोई बात करी या किसी भी मौके पे हम किसी मंत्री संतरी को या डिपार्टमेंट को ऑफिसर को तुरंत इंटरफेयर कर सकें और तुरंत गलत चीज़ों को होने से रोक सकें। वो असली लोकतंत्र, वो असली संविधान की का लक्ष्य है, वो असली काम है जो होना अभी बाकी है देश में। सर एक और बात सामने और आ रही है, ये दुनिया देश की पूरी आबादी जिसे हम 140 करोड़ 130 करोड़ बोलते हैं उसका भरोसा सरकार पर नहीं होता, लेकिन इस पर जरूर होता है। लेकिन जब इसी के अंदर ऐसा काम होने लगे तो फिर किस पर भरोसा किया जाएगा? यही तो गड़बड़ है कि सरकार के तो चारों टांग, चारों स्तंभ ही दीमक लगा हुआ है आज के दिन, और काफी बार लगता रहा है देश में पहले भी। ये चार स्तंभ कौन कौन से हैं? विधायिका, ये विधानसभाएं, ये पार्लियामेंट जो कानून बनाने का काम करती है जिसमें MLA MP होते हैं। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या हुआ, जो विधायिका कानून बनाती है उसके हिसाब से काम जो करना होता है या काम जिसको करवाना होता है उसका नाम है कार्यपालिका। उसमें चीफ मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर के नीचे सारे मंत्री संतरी डिपार्टमेंट के सब अफसर होते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर होता है देश के लेवल पर और सारे उसके मंत्री संतरी होते हैं, नीचे सारे कैबिनेट रैंक के अधिकारी वधारी जो भी मंत्रालयों में अधिकारी होते हैं इनको उस हिसाब से काम करना होता है दोनों को उस मामले। ये चारों के चारों, और तीसरा कौन सा है, जुडिशरी भाई न्याय, ये दोनों गड़बड़ करेंगे। कानून बनाने वाला गलत कानून बना देगा संविधान के खिलाफ, तो ये जुडिशरी को देखना है और जुडिशरी कहे नो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने गलत किया है, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं चाहता। और संविधान क्या चाहता है? जो जनता चाहती है, जनता के लिए संविधान है। और अगर संविधान के बनाए कानून के हिसाब से सरकार काम ना करे, नौकरियों में भ्रष्टाचार, अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार, या इलेक्शन कमीशनर गलत तरीके से लगाने, या अपने चाटुकारों को भर्ती करना, वो सारा का सारा कानून सम्मत नहीं होता, तो तब भी ये जुडिशरी, काम तो उनका भी है विधायिका का, MPO का भी, कि तुम हमारे बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हो, उनको पार्लियामेंट में वो लोग सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, क्योंकि समितियाँ होती हैं वहाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, वो कमेटी हर मंत्रालय के ऊपर होती हैं और मंत्रालयों के ऊपर वो कमेटियाँ काम करती हैं, कंट्रोल रखती हैं, मगर वो भी मामला नहीं, काम नहीं करती, वो सही तरीके से दिमाग लगा हुआ है विधायिका में भी और इधर दिमाग लगा हुआ कार्यपालिका में भी जो देश देखता है। और इधर काफ़ी हद तक तो प्रशांत भूषण ने बताया, सीनियर इस तरह के वरिष्ठ एडवोकेट जिनका पूरे देश में मान सम्मान और विश्वास करते हैं उन पर लोग, और वो बहुत चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो जितना एक्सपोज किया है, ये सच्चाई को एक्सपोज किया, इससे तो ये साबित होता है कि यहाँ भी दीमक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या, फिर कैसे काम चलेगा? और दीमक लगा हुआ, और चौथा स्तंभ कौन सा है जो इन तीनों को दीमक लगे देश को बताने वाला कि दीमक लग गया, दीमक लग गया, इसको पेस्टिसाइड यूज करो, दीमक की दवाई लगाओ, यानी बदलो या कुछ काम करो, वो है मीडिया। और मीडिया तो पहले धराशायी हो रहा, वो तो पूजा में लगा हुआ है, दीमकों की पूजा में लगा हुआ है, जो दीमक जिन स्तंभों पे लगे हुए हैं उन्हीं की पूजा में वो लगे हुए, काम था उनका बताना देश की जनता को, नहीं बता रहे, वो तो शुक्र है। ये चौथा स्तंभ में, ये चौथे स्तंभ में एक नया पौधा पैदा हो गया उसी स्तंभ में, जैसे पेड़ में या दीवार के कोने में कहीं पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष उग जाता है ना पक्षियों की बीट करने से, ऐसे ही भला हो इसका यूट्यूब का, आप लोग पैदा हो गए सोशल मीडिया, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि दीमक लगा हुआ है और लोग उस दीमक को, खत्म कैसे होगा वो दीमक? तो खत्म तभी होगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा, पहले सरकार में परिवर्तन होगा, फिर सरकार में जो लोग आएंगे वो हर जगह सुधार तो करने की बात करें। में ही पूरा लगा है तो फिर कैसे बदलाव होगा? इसलिए पूरा दीमक का बहुत इलाज करना पड़ेगा, पूरी तरह इलाज करना पड़ेगा और इस तरह से चीजों को बनाना पड़ेगा, ऐसी प्लाई यूज करनी पड़ेगी जिसमें दीमक ना लगे, है ना, टर्माइट फ्री व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें दीमक ना लगे। वो तो न्यूज में हम देख रहे थे सामने, वो तो 10,000 करोड़ और ज्यादा उन्होंने कहा, हमारी फिगर पहले थोड़ी थी, अभी एग्जैक्ट फिगर हो रहा है, इससे आगे और भी बढ़ेगी। और उन्होंने तो सीधा नाम लिया है ओपनली कि ये अडानी की सारी बदमाशी का जो करता धरता है, इसको प्रोटेक्शन देने वाला जो है, इसको करवाने वाला जो है, और जिसकी शरण में ये सब हो रहा, उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा कहा पूरे देश के सामने। अब तो उनको जवाब देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देना चाहिए और उनकी भी जाँच होनी चाहिए, अडानी की भी। और अडानी को तो पता नहीं क्या कैसा, इस देश में एक ही व्यापारी इस तरह का कैसे हो गया कि जिसका जिक्रा करते ही वो कोई मोया मुत्रा मोइत्रा जो भी है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने किसी एक दूसरे MP के
डिग्रियों के बारे में प्रश्न उठाया, उसका जवाब देने के बजाय उसके पीछे लग लिए। ये तो चरित्रहीन है। किसी ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उठाया, ये लोगों की डिग्रियों के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे। बताओ देश के साथ क्या देश का पूछने का हक नहीं है क्या? अरे भाई बता दो ना, अड़ानी पे नकली डिग्रियां भी हैं, नकली डिग्रियां भी तो हाथ जोड़ लो माफ कर देगा देश। भाई डिग्रियां नकली हैं, मैं भी दुनिया के चक्कर में, मैं भी ग्रेजुएट पोस्ट के होने के चक्कर में, हवा हवाई के लिए मैंने भी ले ली थी डिग्रियां, कोई बात नहीं। मगर अब सरकार पलट गई तो, और फिर उसकी जांच होकर जेल में जाएगा तो उसे बेहतर है तो यस करो, हाँ भरो और दुनिया से देश से माफी मांगो। और कहाँ कौन जेल जाता है सर? हाँ इसमें ये बात सही है, ये यहाँ जुगाड़ों की ऐसी काम करती है, जिसका जुगाड़ है उसको कोई भी सजा नहीं मिलती यहाँ पर, और जिसका जुगाड़ नहीं है वो गरीब गुरबे इस देश की जेलों में सड़ रहे हैं। वकील साहब अड़ानी पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? नहीं होना चाहिए, कोई केस तो शायद अब है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट जरूर उसमें कार्रवाई करेगा, मगर जल्दी करनी चाहिए। ये स्लो स्लो कार्रवाई, देश थक चुका है स्लो कार्रवाई और डेट पे डेट से देश थक चुका है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस देश के पैसे पे या देश के शासन के साथ या इस देश की सरकारों के साथ या बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार में जो शामिल है, जिन पे कम से कम उंगली उठाई हुई है, और खासतौर अपोजिशन के लीडरों ने ओपनली, तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जुडिशरी को त्वरित गति से, स्पीड गति से, क्योंकि खुद न्यायालय कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है, डिले जस्टिस होने का मतलब अन्याय हो गया लोगों के साथ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मुद्दों पे खासतौर पे समय पे बोलना चाहिए और स्पीड की गति से बोलना चाहिए, देश इंतजार करता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की चाल स्पीड कम स्पीड अच्छी नहीं है, देश के लिए घातक है। एक और बात सामने और आ रही है, बता रहे हैं लोग और आरोप भी लगा रहे हैं कि अडानी ही देश बन चुका है आजकल। भाई अडानी इसलिए लोग कहने लगे होंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाता है, अडानी की तो जांच होती नहीं, आरोप लगाने वाले की जांच हो जाती है। अडानी का जो भी नाम लेता है उसकी सदस्यता भी चली जाती है, वो सस्पेंड भी हो जाता है, वो जेल में भी चला जाता है। ये सारा खेल तमाशा ही देश देख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसको तो लोग कह रहे हैं, अब समाज ये कह रहे हैं, ये नीचता की हद है। ये मोदानी का दौर है, और दौर तो है, प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं सुन रहे, मोदी जी अडानी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे या बात नहीं सुन रहे, मुद्दा उठाते थे उनको। हाँ ऐसा लोग ऐसे ही कह रहे हैं, अब देश देख रहा है, अब तो किसी के कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ देश के सामने स्पष्ट है, कौन आदमी ने क्या प्रश्न उठाए हैं, उनकी जांच हुई या जांच की मांग करने वाले ही जेल में गए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।